हेलो, दिस इज वलीद। दोस्तों भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे भाई, कल एक बड़ी ही मजे की चीज हुई थी उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह, जिसको कह सकते हैं ओडीआई के नंबर वन बॉलर बन चुके हुए हैं, पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का कल से होने जा रहा है मैच, और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का तीसरा मैच कौन जीतेगा। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले भाई कल हुई मोहब्बतों की बारिश, मतलब कि मोहब्बतों का तो सीजन आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मोहब्बतें जिसको कह सकते हैं बिछेड़ी गई। मतलब कि कैसे कि बाबर आजम ने सेकंड ओडीआई के बाद जिसको कह सकते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, फिर एक ट्वीट किया कि ये भी गुजर जाएगा, स्टे स्ट्रॉन्ग। जिसको कह सकते हैं विराट कोहली को उन्होंने कहा, मतलब कि हमने देखा ही है कि ऑन फील्ड तो ये लोग खेलते हैं आपस में, लेकिन जिसको कह सकते हैं ऑफ फील्ड इन दोनों में आपस में जिसको कह सकते हैं काफी ज्यादा प्यार है, सारे प्लेयर्स में ही होता है, सारे प्लेयर्स एक दूसरे से बातें करते हैं। और बात करें विराट कोहली की तो भाई पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे तो नहीं 200 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो जाते, काफी सारे तो पाकिस्तान से ही होंगे। तो भाई हमने भी जब भी किसी से भी बात की तो हर किसी ने यही कहा कि हम चाहते हैं कि विराट कोहली सेंचुरी मारे। इवन के 90% जितने भी मैंने लोगों से बातचीत की, इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी यही कहा कि हम चाहते हैं, बेशक हमें जिसको कह सकते हैं विराट कोहली पसंद ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्लेयर रन्स करे, क्योंकि वो जब वो खेलता है तो मजा आता है उसको खेलते हुए देखते। और बाबर आजम से जब पूछा गया तो बाबर आजम ने भी आज एक इंटरव्यू में यही कहा है कि मतलब कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उससे जिसको कह सकते हैं उसको पता है कि कैसे फॉर्म में वापस आना, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इंशाल्लाह वो जरूर वापस आएगा फॉर्म में, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है। भाई बात करेंगे इसको कह सकते हैं ये होता है, सब कुछ होता है, तो हमें भी चाहिए कि विराट कोहली को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जितने उसके रन्स हैं अभी तक इसको कह सकते हैं हर बंदे को भी खड़ा कर दो, उतने रन्स नहीं बनते होते जिसको कह सकते हैं, मतलब कि 70 सेंचुरी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और ये ऐसे वैसे नहीं हो जाती, 70 सेंचुरी से स्कोर करना एक जिसको कह सकते हैं अपने आप में रिकॉर्ड है। बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह जिसको कह सकते हैं फर्स्ट ओडीआई के बाद से 6 विकेट लेने के बाद जिसको कह सकते हैं ओडीआई के किंग बन चुके हैं बॉलर में, मतलब के नंबर वन पोजीशन पे आ गए। शाहीन शाह अफरीदी तीसरे नंबर पे है, मतलब के थोड़ा ही फासला है, वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। टेस्ट की बात करें तो इस वक्त जसप्रीत बुमराह नंबर 3 पे है और शाहीन शाह अफरीदी नंबर 4 पे, तो मतलब के जसप्रीत बुमराह आगे, शाहीन उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी बनेगी भाई, मतलब के लड़के में दम है, लड़के ने जब भी सेना कंट्रीज में जाके खेला है तो सामने वालों को परेशान करके रख दिया कि वो सोचते हैं कि हम अपने होम पे खेल रहे हैं या इंडिया अपने होम में खेल रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म की जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो इंग्लैंड में इनको स्विंग मिल रहा है, तो मतलब कि वो तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। टेस्ट मैच के अंदर भी ये अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ओडीआई में भी यही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक 8 विकेट्स ले चुके हुए हैं, और जिसको कह सकते हैं संडे वाले मैच में क्या पता और विकेट्स ले जाए और इंडिया को सीरीज जितवा जाए, तो कुछ भी हो सकता है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी बनेगी, क्योंकि इंडिया को ये एक हीरा मिल गया, इंडिया के पास बॉलर्स इतने अच्छे नहीं थे, बॉलर्स काफी आते थे, काफी चले जाते थे, इंजर्ड हो जाते थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर इनको मिला जिसको कह सकते हैं मुझे लग रहा है कि काफी देर तक फ्यूचर में खेलेगा, और बड़े सारे रिकॉर्ड्स जिसको कह सकते हैं। बैटिंग में तो इंडिया के पास काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग में जो रिकॉर्ड्स बनाएगा वो है जसप्रीत बुमराह। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के कल के मैच की, मतलब जो शुरू होने जा रहा है, आई होप जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हमारे कप्तान ने बता दिया है कि श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में खेलना आसान नहीं होता, श्रीलंका बड़ी खतरनाक टीम है, इनके खिलाफ जिसको कह सकते हैं सोच समझ के अच्छी प्लानिंग के साथ खेलना होगा, तो स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर आजम, होप सो कि आप ये वाला टेस्ट मैच जीते, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सेंचुरीज मारे इस टेस्ट सीरीज में और पाकिस्तान को फतह दिलाएं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का संडे को होने जा रहा है मेगा मैच, मतलब कि सीरीज का जिसको कह सकते हैं मजा फुल हो जाएगा, पैसा वसूल मैच होगा, सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि ये है फाइनल, मतलब कि सीरीज इस पर लेवल चलेगी, सीरीज इतनी कोई खास नहीं रही, लो स्कोरिंग मैच थे लेकिन वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, तो मतलब पहले मैच में 6 विकेट्स बुमराह की थी, तो अगले मैच में कह सकते हैं डी स्टोपली ने 6 विकेट्स ले ली, तो मतलब के बॉलर्स का तो कह सकते हैं आसमानों पे चढ़े हुए, लेकिन जो संडे को ओडीआई है उसमें जो लग रहा है फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये जिसको कह सकते हैं ट्रेंट ब्रिज में है, तो मतलब कि यहाँ पे रन ज्यादा बनते हैं, तो मुझे लग रहा है 300 प्लस गेम होगी, और जब 300 प्लस गेम होगी जो चेस कर रहा होगा उसके पास एडवांटेज होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जो भी चेस करेगा वो टीम जीत जाएगी। अब देखते हैं, टॉस पे बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि बॉलिंग का तो प्रेशर होता है, लेकिन जब बैटिंग पिच ही सारी हो तो फिर बंदा क्या करे, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा,
फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कि शायद इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि इंडिया कमबैक कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मेरी प्रिडिक्शन तो 2-1 वाली इंग्लैंड के साथ है, लेकिन फिर भी मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ हो सकता है। लेट्स सी क्या होगा, ये अभी तक नहीं पता। आपने जरूर बताना कि आपको पसंद आया बाबर आजम और विराट कोहली का, जिसको कह सकते हैं मोहब्बतों का सीजन। अगर पसंद आया जरूर कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।